क्वेश्चन नंबर थ्री आपका बोलता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में प्रोपिन का रिएक्शन वाटर के साथ करना है। तो प्रोपिन दोस्त तीन कार्बन के अल्किल को क्या बोलते हैं, प्रोपिन। तो प्रोपिन का फॉर्मूला हो गया हमारा CH3CH2CH2। और प्रोपिन का रिएक्शन वाटर के साथ करना है, तो प्रोपिन का रिएक्शन दोस्त वाटर के साथ करने जा रहे हैं। और किसके परजेस में करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के परजेस में। यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अभी दोस्त एक हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड है, एक हाथ में वाटर है, तो जब पानी का मात्रा ज्यादा हो, सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा कम हो, इसी को दोस्त डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो वाटर को तोड़ते तो दो कॉम्पोनेंट में टूटता, पहला हमारा एच प्लस है और दूसरा हमारा दोस्त OH माइनस है। एच प्लस को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं या उसी को प्रोटोन भी बोलते हैं, और OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड टू डबल कार्बन विनाइली कार्बन, डबल बॉन्ड टू डबल कार्बन विनाइली कार्बन। तो इस विनाइली कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो जिधर ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा उधर ही मेरा पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है। तो पाई बॉन्ड दोस्त राइट साइड शिफ्ट कर गया, एरो का हेड गया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया, एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CS था, यहाँ पर लिखे दो CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब ये प्लस और इस माइनस को फेविकोल से चिपका दिया तो बन गया बॉन्ड। तो CH के मुंडी पर OH ग्रुप आ गया, CH के ऊपर लगा दिए OH ग्रुप। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर लिख दो सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस माइनस को, ये माइनस ये प्लस को फेविकोल से चिपका दिए तो बन गया बॉन्ड। तो CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए दोस्त, बन गया CH3। ये हो गया आपका CH3। फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। राइट साइड से दो नंबर पर, सॉरी लेफ्ट साइड से दो नंबर पर अल्कोहल, राइट साइड से भी दो नंबर पर है। तो जब फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन मेरा सेम पोजिशन पे आ जाए, ऐसे हालातों में हम आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे। तो प्रिंसिपल चलोगे मेरे दोस्त तीन कार्बन का, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो लिख दिए एन, दो नंबर पर एल्कोहल है तो यहाँ पर लिख दिए टू, और अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपीए क्रम के प्रोपेन टू ऑल। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया दोस्त प्रो, डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए ई, तो इस कंपाउंड का यूपीए क्रम हो गया प्रोपिन। तो जब प्रोपिन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के में प्रोपेन टू ऑल बनता है। अभी दोस्त प्रोपेन टू ऑल हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त फुल एसिड में करेक्ट होगा। ये रिएक्शन हमारे दोस्त मार्कोनिकोव रूल से बनाते हैं। तो ग्यारह को करते दोस्त कि मुझे अपनों ने लूटा, गेरों में कहां दम था, मेरी किस्ती तो वहीं डूबी जहां पानी कम था। इस रिएक्शन को दोस्त हम लोग एमके रूल से पूरा कर रहे हैं, मार्कोनिकोव रूल से। तो मार्कोनिकोव बोलते हैं दोस्त कि मुझे मार्कोनिकोव ने बताया ओरो में कहां दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था, जहां कम हाइड्रोजन वहां पर OH जुड़ गया दोस्त। इस तरह हमारा फुल एसिड में प्रोपेन टू और बन गया। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का दोस्त ऑप्शन नंबर बी फुल एसिड क्या हो गया, करेक्ट।